मोदी राहुल को दंडादेश दण्डादेश सा मोदी साङ्ग्या विवाद राहुल को दुई वर्ष जेल दण्ड सहित पन्ध्र हजार जरिमना सुन तलकोर्ट या च्यालेन्ज गरि द्वारस्थ हु राहुल दोषी सब्यस्त राहुल गांधी को लोकसभा सदस्य पदरू अयोग्य घोषित गरिह हजार उन्नाइस साधारण निर्वाचन बेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सर्नेम बा उपनाम आपत्तिजनक मन्तव्य कङ्ग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक र को राली रे, प्रचार समय राहुल गांधी एभले बिवादीय बयान दि मर्यादा भुली सम्बेदनहीन वाक्यले अनेक लोक आघात पहुँचाले राहुल जहा समग्र मोदी संप्रदाय को प्रति अपमानजनक थिला जा को नई बीजेपी विधायक तथा तो तत्कालीन गुजरात रो मंत्री पुर्नेश मोदी एक मानहानी मामला रुजू करतिले ए मामला रे दंडादेश सुनाई तिले सूरत जिला कोर्ट सेपटे एनए प्रेस मीट प्रति करे प्रतिक्रिया रखी बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद उस दौरान 2019 दो के लोकसभा के कैंपेन में कर्नाटक में, में बेंगलुरु से सौ किलोमीटर दूरी पर कोलार में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया था उस जनसभा में श्रीमान राहुल गांधी ने सभी सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों? ऐसी कई अपमानजनक बात हमारे समाज में की, की थी तभी 2019 में हमने सूरत में चीफ कोर्ट में बदनक्षी का मुकदमा पेश किया था और 2023 में हमारे दोनों पक्षकारों के वकीलों की दलील एविडेंस के आधार पर दो साल की सजा श्रीमान राहुल गांधी जी को हुई कि लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सही है दूसरा एम एल होने की वजह से सिर्फ किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता है स्पेशल बेनिफिट नहीं मिल सकता है तीसरा मुद्दा यह है कि जो एक्यूज है एक्यूज के सामने बहुत सारे ऐसे केसेस हैं चौथा मुद्दा यह है कि इवन आफ्टर दिस केस व्हाट वी जो हमने आर्ग्यू किया था कोर्ट के सामने उन्होंने वीर सावर वीर सावरकर की जी के सामने भी कुछ उन्होंने स्टेटमेंट किए थे जो कि वादाजनक टिप्पणी थी और इसके लिए भी उनके ऊपर कुछ केस हुआ है ये हमारी दलील थी जिनको ग्राह्य रखा गया है और इसके हिसाब से आज जजमेंट दिया है रिविजन डिसमिस हुई है राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में एक टिप्पणी की थी कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं आपको पता है कि मोदी सरनेम अधिकांश पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों का होता है देशभर में और यह घोर रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी थी कायदे के मुताबिक उनको माफी मांगना चाहिए था कि स्लिप ऑफ टंग हो गया लेकिन माफी मांगना तो उनकी फितरत में नहीं है लोअर कोर्ट ने उनको दो साल की सजा दी उसके खिलाफ वो सेशन कोर्ट गए सेशन कोर्ट ने उनको बेल तो दे दिया लेकिन कन्विक्शन को स्टे नहीं किया और आपका कन्विक्शन स्टे नहीं होता तो आप दो साल की सजा है तो आप सदन के सदस्य नहीं रह सकते और बाद में वो कार्रवाई हुई आप जानते हैं